पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा के हिस्से को लेकर बड़ी खबर। हरियाणा और पंजाब के बीच बैठक खत्म हो चुकी है। हरियाणा के युवाओं और शिक्षा के शेयर के खिलाफ अड़े भगवंत मान, पंजाब नहीं दे रहा पंजाब यूनिवर्सिटी में अपना वित्तीय शेयर। ये विश्वविद्यालय की तरफ से कहा गया है। पंजाब की ओर से पिछले 10 सालों से मिले केवल 20 से 21 करोड़ प्रति वर्ष। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के युवाओं और कॉलेज को मिले पंजाब विश्वविद्यालय का विकल्प। कॉलेज के एफिलिएशन से विश्वविद्यालय में हरियाणा के छात्र भी शिक्षा ले पाएंगे। 3 जुलाई को एक बार फिर से पंजाब और हरियाणा के बीच बैठक होगी, लेकिन जो आज ये बैठक हुई, कई घंटों तक ये बैठक चली, लेकिन इस बैठक में कोई भी समाधान नहीं निकला, जिसके बाद बैठक खत्म हो गई। हालांकि एक बार फिर से 3 जुलाई को अगली बैठक बुलाई गई है और इस बीच देखिए एक बार फिर से विचार विमर्श किया जाएगा, चर्चा की जाएगी कि आखिर अगला कदम क्या उठाया जाए। तो देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी में हिस्सेदारी को लेकर लगातार मंथन और आज भी बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में कोई समाधान नहीं निकला। रवि चंदेल हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। रवि, आज की इस बैठक में क्या हुआ और क्या ऐसी बात रही जो सहमति नहीं बन पाई? पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित के अध्यक्षता में हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच चंडीगढ़ सचिवालय में लगभग 1 घंटे तक ये बैठक चली और ये बैठक जो है वो एक दूसरे दौर की बैठक थी। बैठक बेनतीजा रही। इस बैठक के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी को लेकर जो ग्रांट देने का मसला है, साथ ही साथ रेजुलेशन का जो मुद्दा है उसको लेकर जो है वो गहनता से मंथन हुआ, लेकिन ये बैठक जो है वो बेनतीजा रही। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का साफ तौर से कहना था कि पंजाब के हरियाणा और हिमाचल द्वारा जो है वो अपनी उससे जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की हिस्सेदारी को छोड़ा था, तो अब पंजाब यूनिवर्सिटी जो हिस्सेदारी जो का दावा जो हरियाणा और पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश लगातार करता रहा है, अब उसकी हिस्सेदारी जो है वो नहीं दी जाएगी। और जिस तरीके से यदि पैसे को ग्रांट का जिक्र करते हैं तो ग्रांट जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी लगातार जो है वो पंजाब जो है वो लगातार पंजाब यूनिवर्सिटी को ग्रांट देता हुआ आया है। ऐसी स्थिति में एप्लीकेशन को लेकर जो है वो जरूर एप्लीकेशन दी जा सकती है, लेकिन हिस्सेदारी का यदि सवाल आता है तो हिस्सेदारी जो है वो नहीं दी जाएगी। अब इस पूरे मामले को लेकर जो है 3 जुलाई को एक बार फिर से बैठक होगी। 3 जुलाई को चंडीगढ़ सचिवालय में पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित की अध्यक्षता में ही हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच 11 बजे जो है वो ये तीसरे दौर की बैठक जो है वो शुरू होगी। लेकिन रवि देखिए इससे पहले भी बैठक हुई, जिसके बाद देखिए 4 दिन पहले की बात करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि इस पर विचार किया जाएगा, लेकिन आज ये बैठक हुई जिसके बाद ये खबर सामने आई कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो हैं वो अड़े हुए हैं, अड़े इस बात पर हैं कि शेयर जो है शिक्षा को लेकर वो नहीं दिया जाएगा। आखिर क्या वजह इसकी सामने आ रही है, क्या कहना है पंजाब के मुख्यमंत्री का कि आखिर सोच विचार करने के बाद बैठक हुई लेकिन बावजूद इसके कोई समाधान या फिर आगे बढ़ने को किसी तरीके से तैयार नहीं है वो? देखिए जिस तरीके से यदि हम देखते करें तो 1 जून को जो है वो पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा साफ तौर पर कहा गया था कि बड़े सुहाग के माहौल में ये बैठक हुई है, कोई ना कोई नतीजा जो है वो जरूर निकलेगा और अगली बैठक यानी कि दूसरे दौर की बैठक जो है वो 5 जून को होगी। 5 जून को जब ये बैठक होती है लगभग 1 घंटे तक की बैठक चलती है और 1 घंटे के बाद ना तो हरियाणा के मुख्यमंत्री और ना ही पंजाब के मुख्यमंत्री जो है वो मीडिया से रूबरू होते हैं, लेकिन इसी दौरान जो है वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है वो प्रेस वार्ता करते हैं और वहां पे बाकायदा कहते हैं कि वो हरियाणा की किसी भी तरीके की हिस्सेदारी के बिल्कुल खिलाफ है पंजाब यूनिवर्सिटी के ऊपर। उनका साफ तौर पर कहना है कि पैसों से जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी को नहीं खरीदा जा सकता। ठीक है, यानी कि साफ तौर पर देखिए अडिग है पंजाब के मुख्यमंत्री। ऐसे में देखना ये होगा कि 3 जुलाई को जो बैठक बुलाई गई है उसमें आखिर क्या रास्ता निकलता है।